सो हे गाइस, वेलकम बैक हो गए तुम सबका इस नए व्लॉग के अंदर। यार गाइस, मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं कर रहा, बहुत सारी रीज़न थी और चैनल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, बट कोई नहीं, वो भी आई होप आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। यार कल बहुत गंदे वाला सीन हो गया, कल एक्चुअली बाइक टूट फूट गया पूरे का पूरा। तो अभी फटाफट से हम जाएंगे बाइक को लेके और जाके रिपेयर करवाएंगे। तो अभी हम जा रहे स्लोली स्लोली, और ताकि यार बाइक का इशू चल रहा है, शायद पता नहीं तुम लोगों को आवाज़ मेरी ठीक आ रही होगी कि नहीं, बीच में शोर तो है, बट ये शॉर्टकट है, यहाँ से चलते हैं आगे, शॉप एक थी। तो पहले सबसे पहले टायर का कुछ करवाते हैं तो फिर आगे देखते हैं। तो एक सेकंड यार, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई भी प्रो है, प्रो मस्त। यार ये बहुत कचरा, ये देखो कहाँ पे फेंक देते हैं यार ये लोग, मतलब यहाँ पे कचरा साफ़ करने वाले लोग आते हैं, बट पता नहीं क्यों यार ये इनको कचरा बाहर ही फेंकने की आदत है, बट क्या करें यार, रोज़ आते हैं, रोज़ साफ़ करते हैं, फिर इन लोगों ने किया होता है। यार असल में आगे एक सोसाइटी है ना, वहाँ से लोग आते हैं तो वहाँ से यहाँ फेंक के जाते हैं। यार क्या तुक बनती है अंदर आने की, और अभी यहाँ पे काम चल रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मसला था पहले पानी वाला वगैरह का, तो वो सेट किया, तो अभी ये रोड दोबारा से बनेगी। अब मैं क्या करूँ यार, यहाँ पर आया तो वो मेरे पिछले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है, और क्या करूँ, मसला ही मसला, रोला यार बहुत ज़्यादा। एक तो ये टुक टुक, भाई साहब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एक शॉप तो खुली है। अच्छा गाइस, मुझे एक शॉप दिखी है, तो चलो रुको मैं इसे पूछता हूँ कि कितने में करेगा। चलो पार चले जाते हैं, एक सेकंड, ट्रैफिक कोई तो नहीं है। चलो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ स्पोके बाइक की टूटी है, यहीं से ठीक हो जाएगी। बाइक की तीन स्पोकें टूटी हुई हैं, चेंज पिछले ही है, चेंज कितने की होगी? 200 रुपया रिम सीधा ही है ना, देख ले, 100 रुपया ले लेंगे डाल के। हाँ चले, अच्छी वाली फिर डाल लें, 60 रुपये की स्पोकें और 100 रुपये डाल लें, चलें डाल लें फिर। तो गाइस अभी हमने बाइक दे दिया, तो अभी बाइक का कुछ काम वगैरह होगा। तो यार देखो यार, काफ़ी मसला, अच्छा नहीं लगता यार जब नई चीज़ को ऐसे कुछ करना हो, मतलब ख़राब हो जाए वो। तो वैसे गाइस मानना तो पड़ेगा यार, कितना चमक रहा और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा यार, बस इसको कुछ हो ना यार, मैंने अभी तक इसको अभी तक एक्सीडेंट नहीं किया इसका यार। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. तो गाइस अभी अंदर जाके इसको ठीक करेंगे, और चलो यार चलते हैं अंदर हम भी। लोकल शॉप ओपन थी तो मैंने कहा चलो यहीं से करवा लेते हैं, यहाँ पे टायर का काम शाम हो गया, बाइक वहाँ पे बेचारा बैठा हुआ है, बुरी हालत है। तो यार बस देखते हैं यार क्या सीन बनता है, कितनी देर में हम जा पाएंगे वापस। हो चुका है यार, अभी मैं सोचता हूँ इसकी जगह अलाय वाला लगवा लूँ, ताकि वो मतलब वो बेस्ट रहता है, वो टूटता वूटता नहीं है। तो बस ये सोचते हैं कुछ यार, सोचते हैं। अभी बाइक बंद करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइक की कर रहा हूँ टेस्टिंग, कि आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, अब देखते हैं यार। सोचता हूँ कि मैं मतलब वो थोड़ा सा रिप्लेस वगैरह करवा दूँ टायर वगैरह, बट लेट्स सी। अभी बिल्कुल बंद है, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक बाइक हो। यार इलेक्ट्रिक बाइक मैं लेता, मेरा मन कर रहा था ले लूँ, बट ना सीन कुछ ऐसा था कि उस टाइम पे ना मुझे यही बेटर लगा, बिकॉज ना मेरे कज़न ने ली थी इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी जो थी, तो वो उसने मतलब वो सिटी के अंदर तो ठीक रहता है, बट अगर हम सिटी से बाहर जाते हैं ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी भी मसला आ सकता है ना, क्योंकि कभी चार्ज वो उसका ये था ना कि अभी उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी चार्जिंग में, मतलब एरर आता था, बताता था कि इतने किलोमीटर रह गए, लेकिन उससे पहले वो बंद यार गाड़ी बंद हो जाता था, तो ये सीन था। तो अभी यार अभी देखते हैं भाई, यार चलो मैं अभी चलता हूँ घर, चल के मैं तुम लोग से मिलता हूँ। बूम। तो गाइज यार अभी अभी मैं घर आया हूँ, और मम्मा कहती हैं कि जाके अब्दुल रफ़ी की फ़ी डिपॉजिट करवा के आ जाओ। तो मैंने कोशिश किया था कि यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं, बट ऑनलाइन में 150 एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे थे, तो चलो फटाफट से चलते हैं और जाके उसकी फ़ी डिपॉजिट करवा के आते, तो चलो आ जाओ। पहले काफ़ी मस्त धूप लग रही है यार, अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है इसलिए अभी, बट कोई नहीं। तो यार वैसे अभी बैंक पास नहीं था यार, इतना खर्चा काय को करना, तो चलो चलते यार बैंक में। पता है यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग कर पाऊँ ऐसे, मतलब मोटो व्लॉग कर पाऊँ। अभी मेरे पास ये सीन है कि मेरे पास अभी GoPro नहीं है, ठीक है, तो
जब तक नहीं आ जाता पैसे मतलब, तो नहीं यार तुम लोग को बताऊँ मैं एक बात, मेरी थी जॉब, अच्छी खासी जॉब थी, बट वो मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा नहीं मेरे को उसमें मन नहीं लग रहा था, जो सच्ची बात बताऊँ मुझे कुछ, बस मैं चलो तुम लोग को बाद में बताऊँगा, मैं कुछ कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो कम्प्लीट होता है मैं तुम लोग को बताऊँगा। तो वैसे इस तरह व्लॉग करना काफ़ी डेंजरस है विदाउट गोप्रो ऐसे, मतलब मोटो व्लॉग करना, बट यार ये बाइक पे मुझे काफ़ी आदत है और काफ़ी मतलब, हाँ काफ़ी मतलब हल्का सा बाइक है ना तो मस्त रहता है फिर, और आसपास मौसम भी काफ़ी मस्त हो रहा है तो ठीक है। तो बाइक यार ये बहुत ही हल्का है, तुम लोग को ऐसे मतलब कैमरे में थोड़ा बड़ा दिख रहा हो लेकिन ये बहुत हल्का है और काफ़ी बढ़िया है, मतलब साइकिल से भी बेस्ट है मुझे लगता है ये। और मेरा जो, मैं तुमको बताऊँ ना, मेरा फेवरेट ये है, मतलब मुझे हैवी बाइक चलाना अच्छा नहीं लगता, तो बस यही इस तरह की लाइट बाइक मतलब जो बिल्कुल ये मुझे बल्कि यही अच्छा लगता है यार, बिल्कुल ईजी है। तो चलो यार बैंक पहुँच के मैं तुम लोग से मिलता हूँ। तो गाइज अभी हम जाके ले लेते हैं टोकन और कैश पेमेंट आ गया, चलो निकाल लेते हैं। तो यार चलो चल के बैठते हैं, अब 47 नंबर है तो देखते हैं फिर क्या है, वो आगे जगह खाली है तो चलो बैठ जाते हैं, कोई बैठना चाहे वाले। फाइनली तो गाइज फाइनली हमने डिपॉजिट करवा दिया और चलो अब निकलते हैं। तो चलो अभी मिनाइल की कॉपी भी लेनी है, शुक्रिया। तो चलो यार गाइस बाइक पार्क किया होगा, वैसे गर्म हो गया होगा यार, गर्मियों में तो ये डिसएडवांटेज है बट सर्दियों में काफ़ी मस्त है, गर्म हो जाता है तो फिर चलते हैं। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा कि अभी हम बैंक से हो गए और अभी हमने लेनी है मिनाइल के लिए कुछ कॉपी वगैरह उसकी लेनी है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। तो चलो गाइस यहाँ से ले जाएगी हमें स्टेशनरी की शॉप होगी। यार यहाँ से किस तरफ होगी यार, मैं काफ़ी पहले आया था इस जगह पे, बट देखते हैं यार यहाँ पे सारी गारमेंट्स की हैं। मिनाहिल के लिए ले लेते हैं बाइक, पहले पार्क लगाते हैं और फिर चलते हैं, कॉपी वगैरह ले लेते हैं और फिर। लॉक भी कर लेते हैं, चलो भाई चलते हैं। एक नोटबुक चाहिए थी, नोटबुक ठीक है, नहीं नहीं एपीएस की नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, छोटे बच्चों के लिए। हाँ दिखा दे, छोटे बच्चों के लिए। हाँ बच्चे इंग्लिश में तीनों चाहिए, इंग्लिश उर्दू मैथ। एपीएस की नहीं चाहिए, नॉर्मल ये क्या है? नहीं कॉपी नहीं, रजिस्टर अगर हैं तो वो भी दिखा दें। नॉर्मल या नॉर्मल? नॉर्मल कितने हैं ये? नहीं है ना बेटा अभी नहीं है, 450। बाकी वो जो जिसमें तीन लाइनों वाली होती है, मतलब जो बच्चों के लिखने के लिए एबीसी और ये चीज़ें, 1 2। ये कितने वाले? हाँ ये कितने वाले? इसकी क्या प्राइस है? ठीक है कर दे एक। हाँ दे दे। मैंने मिनाइल की बुक्स वगैरह ले ली है और रजिस्टर एक लिया है, चाहिए था यार उसको, उसकी भी ज़रूरत थी तो ले लेते हैं फटाफट से। वैसे मैंने मम्मा को बताया नहीं है, लेकिन मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि 150 बचते हैं, 150 हम यहीं से नहीं पूरे हो गए। चलो ठीक हो गया यार, मैंने काम पर रखी थी कीज, मुझे यार कीज़ नहीं मिल रही यार। हाँ मिल गई। तो गाइस मैं तुम लोगों को रास्ते में मिलता हूँ। तो यार गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम कहीं चलते हैं यार बाइक की लॉन्ग ड्राइव पे। यार मज़ा बाइक पे ही आता है, जो सच्ची बात बताऊँ मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली मैं बता नहीं सकता, मतलब काफ़ी मस्त मस्त हवा व्यू और सारी चीज़ें साथ साथ, तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है यार। ट्रिप ही असली बाइक पे होती है, मुझे गाड़ी में मतलब चलना वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है, मतलब अजीब सा लगता है, और लॉन्ग ड्राइव में तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं यार, लेट्स सी कि अब कश्मीर का नेक्स्ट प्लान कब बनता है। और यार बस क्या करूं मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, मैं कितना आजकल बिज़ी होता हूं, और मुझे मतलब ना दिल भी नहीं करता यार मतलब व्लॉग करने का कुछ, यही रीज़न है सिर्फ। और रुको एक सेकंड, निकल लेते हैं। तो यार यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है बट इतनी अभी नहीं है, तो आराम से हम बाइक निकाल लेंगे एक हाथ से। वैसे यार आप लोग ऐसा मत करना यार, मैं मतलब
समझ रहे ना, एक तो बाइक है मेरा, मुझे इस पे हाथ थे मतलब सही से जमा, मतलब मेरी फर्स्ट बाइक थी और मुझे मेरी फेवरेट भी है। तो चलो, ओ भाई यार निकल लेते हैं, निकल लेते हैं, निकल लेते हैं, निकल लिया। आए हाय, हाय 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 यार, निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो सर जी, मेरे पास बाइक है। ओए 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 ओए, बंद हो गया। चलो यार मैं तुम लोगों को स्टार्ट करके मिलता हूँ। स्टार्ट हो ही गया, ओ मैंने पेट्रोल ही ऑफ किया हुआ था, दैट्स व्हाई बंद हुआ है। ठीक है समझ गया यार, होता रहता है यार, होता रहता है, मुझे याद कहाँ रहता है आज के। पता है एक्चुअल सीन हुआ क्या है, एक्चुअल सीन हुआ ये था कि आगे से गाड़ी मुड़ी थी, वो गाड़ी फिर मुड़ी ही नहीं है, तो मैंने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक की वजह से फिर सीन हो गया। यार आवाज़ तुम लोग को मेरी पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, बट फिर भी यार वही मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी काफ़ी बढ़िया मतलब है। लेकिन यार GoPro की ज़रूरत है सच में, बट यार अब जराफी नहीं है तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। काफ़ी मतलब अजीब सा बोरिंग सा दिन जा रहा है, बट उसका भी स्कूल होता है ना यार, वो तो वो भी सीन है। तो यार मैंने प्लान किया था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चलूँ, कश्मीर या फिर कहीं भी ना, तो मैं तुम लोग को दिखाता, बट अभी वहाँ पे मैं हमारा बिल्कुल प्लान डन हो गया था, लेकिन वहाँ पे अभी ये हुआ कि वहाँ पे स्नो पड़ गई है, मतलब वो रास्ते सारे बंद हो गए। तो अभी फिर अब यहाँ से जाना भी ठीक नहीं है, और मम्मा भी बोल रही है कि मत जाओ बिकॉज डेंजरस होता है रास्ते में, गाड़ी वगैरह स्लिप हो जाती है, तो ये सीन है। तो चलो हम निकलते हैं। तो यार मैं तुम लोग को सीधा घर चल के मिलता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ। सो अभी चलते हैं मीना हिल। कहाँ है मीना हिल, आप यहाँ हो? ये देखो आपका रजिस्टर अच्छा है क्या? खुश हो? आजा आ, चल अंदर चल के तुझे मैं लिखवाता हूँ काम। सो गाइज आज अभी मैं इसको करवाऊँगा काम वाला, इसका करवाऊँगा ठीक है, जो भी है। तो यार ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा, तो आई होप तुम लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मैंने कोशिश किया कि मोटो ब्लॉग अच्छे से कर सकूं, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय।